हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आरबी लाइव क्लासेस। एंड आज हम लोग सीखने वाले हैं कोष्टक के नियम यानी बोर्ड मास रूल। देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा तो है, लेकिन ये क्वेश्चन कर लेने के बाद में आपको बोर्ड मास या कोष्टक के नियम को हल करने में कहीं पर भी परेशानी नहीं होगा। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग बहुत ही बारीकी से स्टेप बाई स्टेप सीखे हैं डमास को, तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या ये वीडियो ख़त्म होते होते आपको लास्ट स्क्रीन पर एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन को करने से पहले आपको इसके नियम को जानना पड़ेगा। जैसे कोष्टक, कोष्टक होता है चार प्रकार के। एक होता है रेखा कोष्टक, छोटा कोष्टक, मंझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक। इसमें सबसे पहले काम होता है रेखा कोष्टक के, फिर दो नंबर पे छोटा कोष्टक के, फिर तीन नंबर पे मंझला कोष्टक के, और फिर चार नंबर पे बड़ा कोष्टक के। तो इसको हम लोग कैसे हल करेंगे, तो जैसे है बाकी को क्या करना है कि जैसे है वैसे लिख देना है, केवल रेखा कोष्टक के काम करना है। तो यहाँ पे थ्री, तो लिखेंगे थ्री मल्टीप्लाई सिक्स, उसके बाद देखिए छोटा कोष्टक है तो छोटा कोष्टक को हम लगा देंगे। उसके बाद फिर प्लस है, फिर बड़ा कोष्टक है तो बड़ा कोष्टक लगा दिए। उसके बाद फोर मल्टीप्लाई टू, फिर डिवाइड है तो डिवाइड को भी लिखेंगे। उसके बाद फिर मंझला कोष्टक, उसके बाद सिक्स माइनस टू माइनस, फिर छोटा कोष्टक। और छोटा कोष्टक में देखेंगे कि पहले काम किसका होगा, तो यहाँ पे रेखा कोष्टक है, तो रेखा कोष्टक को दो माइनस दो है, तो जब दो में से दो को घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो जीरो बचेगा, तो लिखेंगे फोर प्लस जीरो। ठीक है, और बाकी है कोष्टक जैसे जैसे वैसे वैसे हम कोष्टक को लगा देंगे। फिर क्या करना है कि जब रेखा कोष्टक के काम हो जाता है तो फिर दो नंबर पे छोटा कोष्टक के काम किया जाता है, तो हम छोटा कोष्टक के काम करेंगे। तो लिखेंगे थ्री मल्टीप्लाई सिक्स, उसके बाद फिर प्लस फोर मल्टीप्लाई टू डिवाइड टू, उसके बाद फिर मंझला कोष्टक सिक्स माइनस टू, फिर माइनस। अब देखिए, अब चार में से जब जीरो को जोड़ेंगे, चार में जीरो को जब जोड़ेंगे तो हमारा बचेगा चार। और देखिए कोष्टक का हम बाहर लिख देंगे, क्योंकि जब कोष्टक के अंदर कोई एक अंक बचता है तो कोष्टक हट जाता है, तो इसलिए कोष्टक हट जाएगा और निकल के आ जाएगा चार हमारा। फिर मंझला कोष्टक है तो मंझला कोष्टक लगा देंगे, फिर बड़ा कोष्टक है फिर बड़ा कोष्टक लगा देंगे। फिर क्या करना है कि छोटा कोष्टक के काम हो गया, आप यहाँ पे भी साथ साथ भी कर सकते थे या फिर इसको बाद में भी कर सकते हैं। जैसे कि छोटा कोष्टक के यहाँ पे काम खत्म हुआ, अब इसका काम खत्म कर लेंगे। छतरी अठारह, छतरी अठारह प्लस, उसके बाद फिर फोर मल्टीप्लाई टू डिवाइड टू, उसके बाद फिर मंझला कोष्टक सिक्स माइनस टू, फिर माइनस फोर, और उसके बाद फिर मंझला कोष्टक और फिर बड़ा कोष्टक। आप साथ साथ भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। हम बारी बारी से क्यों बताएं, ताकि आपको आसानी में समझ में आ जाए। अब क्या करना है कि मंझला कोष्टक के काम करना है, तो लिखेंगे अठारह प्लस, और उसके बाद फिर फोर मल्टीप्लाई टू डिवाइड टू, उसके बाद फिर मंझला कोष्टक और सिक्स। अब देखिए, इसके पहले कोई साइन नहीं है, तो इसके पहले प्लस का साइन छिपा हुआ है, और इसके पहले क्या है माइनस का साइन है, और ये वाला भी माइनस का साइन है। तो प्लस माइनस में जब एक ही जैसा साइन रहता है तो उसको जोड़ दिया जाता है, और प्लस माइनस में दो साइन जब अलग अलग हो, जैसे प्लस माइनस अलग अलग है, तो जब दो साइन अलग अलग रहता है तो उसको तोड़ दिया जाता है, यानी कि घटा दिया जाता है। तो माइनस माइनस भाई भाई हो जाएगा, इसको जोड़ दिया जाएगा, तो माइनस चार और माइनस दो, ये हो जाएगा माइनस छः। ठीक है, कोष्टक जैसे जैसे वैसे वैसे लगा देना है आपको। फिर अभी मंझला कोष्टक के अंदर अभी बचा हुआ है, तो फिर भी हम इसको करेंगे। जैसे हो गया 18 प्लस, उसके बाद 4 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड 2। अब देखिए 6 में से जब 6 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, जीरो बचेगा। अब देखिए बीच में कौन सा साइन लगेगा, तो देखिए 2 है उसके बाद कोष्टक है, तो जब कोष्टक के पहले कोई साइन रहता है तो वहाँ पर मल्टीप्लाई के साइन लगा हुआ रहता है, छिपा हुआ रहता है, तो यहाँ पर छिपा है तो इसको हम लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे हो गया मंझला कोष्टक के काम खत्म। अब आगे क्या करेंगे कि 18 प्लस बड़ा कोष्टक 4 मल्टीप्लाई, अब देखिए इसमें है मल्टीप्लाई भी है, उसके बाद डिवाइड है, फिर मल्टीप्लाई है, तो इसमें सबसे पहले आपको डिवाइड का काम करना पड़ेगा, यानी कि भाग का काम करना पड़ेगा, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई। ठीक है, यानी कि डमास में हम लोग सीखे थे यही वाला कि डी ए एम ए एस, डमास में क्या सीखे थे कि पहले डिवाइड, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई, उसके बाद फिर ऐड, उसके बाद फिर सबट्रैक्ट। तो इसमें हमें मल्टीप्लाई के काम करना पड़ेगा, तो दो में से जब दो को डिवाइड करेंगे तो हमारा बचेगा वन, और यहाँ पे जीरो में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे हो गया 18 प्लस
उसके बाद चार में जब एक से मल्टीप्लाई होगा तो चार, और चार में फिर जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो। अब यहाँ पे कोष्टक में हो गया जीरो। अभी क्या सीखे कि जब कोष्टक के अंदर जब एक अंक बचता है तो उसको निकाल दिया जाता है या कोष्टक को हटा दिया जाता है। तो अब यहाँ पे इस प्रकार से भी डायरेक्ट लिख सकते थे, ये ना लिख करके ये भी लिख सकते थे और ये वाला भी लिखे, तो फिर वही काम करना पड़े क्या, तो कोष्टक से बाहर हमको निकालना पड़ा। अब 18 में हम क्या करेंगे कि जीरो को जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 18। ये हो गया आपका राइट आंसर। इसी प्रकार के और वीडियो आप देखना चाहते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।